रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट झारखंड की कॉल सेंटर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक किस प्रकार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड को अंकित करके। इसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करते से ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इस ऐप का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मनरेगा और PMAY-G। जिस भी कंप्लेंट के लिए आपको रजिस्टर करना है, चाहे वो PMAY-G है या मनरेगा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मनरेगा पर क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक फॉर्म ओपन होता है, जहाँ पर मुझसे पूछा जाता है क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसके नाम पर यह कंप्लेंट दर्ज करनी है। अगर जिसके नाम पे ये ऐप है उसी के नाम से कंप्लेंट दर्ज करनी है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को नाम डालने का ऑप्शन आया है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर नाम एंटर किया है। नाम एंटर करने के बाद मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है फादर्स नेम का, जहाँ पर मेरे को अपने पिता का नाम दर्ज करना होगा। फिर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, जहाँ पर से मुझे मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि ज़िले का, यहाँ पर से मुझे अपना ज़िला दर्ज करना है। ज़िला दर्ज करने के बाद ब्लॉक दर्ज करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर से ब्लॉक को दर्ज करना रहेगा। ब्लॉक को दर्ज करने के बाद पंचायत का सिलेक्शन यहाँ पर से करना होगा। पंचायत के बाद विलेज, विलेज के बाद कंप्लेंट का टाइटल, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ जॉब कार्ड नॉट रिसीव्ड, और साथ ही कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने लिख रहा हूँ सर प्लीज चेक एज आई हैव नॉट रिसीव्ड माई जॉब कार्ड। इसको मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो तुरंत ही मेरी ये शिकायत यानी कि कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। इसके बाद अपनी कंप्लेन के साथ मुझे लिखित की कंप्लेन का फ़ोटो अटैच करने का ऑप्शन आएगा, जो कि मैं आसानी से यहां पर से अटैच कर सकता हूं। और यहां पर देखिए शिकायतें के अंदर मैं जाकर देख सकता हूं मेरी अभी कितनी ओपन शिकायतें हैं और इनमें क्या क्या काम हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी मेरी शिकायतें दर्ज कर सकता हूं। धन्यवाद।